देवास जिले के सतवास के मंडलेश्वर गांव के पास नर्मदा बागदी नदी के संगम के करीब जंगल में तेंदुए की हत्या व अंगों के तस्करी का मामला सामने आया है। तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि बिजली की तार लगाकर उसमें करंट छोड़कर तेंदुए को मारा जाता था। उन्होंने बताया कि करंट लगने से तेंदुआ मरा तो हमने उसकी खाल, मूंछ, नाखून व दांत निकालकर बांट लिए और शव को जमीन में गाड़ दिया। आरोपियों ने तंत्र मंत्र के लिए तेंदुए के अंग काटने की बात कही है। घटना के एक माह बाद एक मुखबिर ने इसकी जानकारी परिक्षेत्र सहायक को दी। इसके बाद डीएफओ पीएन मिश्रा, एनडीओ बागली पी के पराशर, एसडीओ कन्नौज संतोष शुक्ला के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर आरोपी गुन्नू को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि तेंदुए के कुछ अंग बैतूल के मोहकम को दे दिए गए और कुछ अंग छोटू बंजारा को दिए। टीम ने छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया लेकिन मोहकम अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। उसके पास पंजे व दांत होने की संभावना है। आरोपियों के खिलाफ वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जो है प्रक्षेत्र सतवास की घटना है और प्रक्षेत्र अधिकारी सतवास ने हमको खबर दी कि कुछ वन्य प्राणी से संबंधित कोई मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई है कि कहीं किसी वन्य प्राणी की हत्या हुई है। तो दिनांक 12 अक्टूबर को सुबह सुबह 10:15 बजे जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर प्रक्षेत्र अधिकारी सतवास और उनकी टीम के द्वारा नर्मदा बागदी संगम आश्रम के पास में, जो कि राजौर पीठ के कच्छ क्रमांक 310 से लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर गुन्नू नाम के एक आदमी से पूछताछ की गई और पूछताछ करके जो शक के आधार पर पूछताछ करके जब उनका उनके उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि उनके द्वारा वन अपराध किया गया है और वो जो वन्य प्राणी तेंदुआ है, वन्य प्राणी तेंदुआ की हत्या में उनका अहम योगदान है। और ऐसा जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई है कि लगभग एक महीने के अंदर में वन्य प्राणी तेंदुआ की हत्या की गई है। और वन्य प्राणी तेंदुआ की हत्या की जब ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं तो उसके आधार पर भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 उसके अंतर्गत एक वन अपराध प्रकरण कायम किया गया है। और पहले गुन्नू पिता रामी उर्फ आज़ाद जो कि 36 साल का है और इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। और ये जो है निवासी आवदिया बैतूल और हाल मुकाम इसका नर्मदा बागदी संगम आश्रम है जो मंडलेश्वर में है। और इसके आधार पर हमको और भी दूसरे अहम सुराग मिले हैं। जो वन्य प्राणी के जो कारकस है जो हमको मिला है उसमें ये समझ में आता है कि चमड़े का कुछ हिस्सा जो है इन्होंने काट के रख लिया था गन्नों ने, और साथ में कुछ हड्डियाँ वगैरह और बाकी जो उसका जो वन्य प्राणी का कारकस था उसको किसी गड्ढे में उन्होंने दफना दिया था। वहाँ से जो फारस की टीम थी उसने रिकवर किया अपराधी के सामने। और इसके परीक्षण के लिए मृत तेंदुए का जो अवशेष था और ये जो डिकेड जो इसका शव था इसका परीक्षण के लिए हमने एक टीम गठित किया। और हमारी रिक्वेस्ट के आधार पर डॉक्टर चतुर्भुज नागर जो पशु चिकित्सालय खातेगांव के हैं, डॉक्टर विजय शर्मा पशु चिकित्सालय बागली के, डॉक्टर उत्तम यादव प्रभारी चिड़ियाघर इंदौर के और डॉक्टर जेपी यादव पशु चिकित्सालय सतवास, इनकी टीम का गठन कर हमारे जो एसडीओ फॉरेस्ट हैं सतवास के जो वर्तमान प्रभार में हैं श्री संतोष शुक्ला और साथ में एसडीओ बागली इनके श्री पराशर, इनके इस पूरी टीम ने के साथ इनका तेंदुए का अवशेष परीक्षण किया गया है। और अवशेष परीक्षण से ये बात क्लियर हो गई है कि जो चमड़े और बाकी चीज़ें जो स्पष्ट है कि तेंदुए का जो शिकार हुआ है वो प्रथम दृष्टया इस कमेटी के जांच में भी यही बात सामने आई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।